हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ एकदम अंधेरे कमरे से, जो कि मेरा ही कमरा है और जिसे कि मैं स्टूडियो में तब्दील करने वाला हूँ जबकि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है मेरे फिर से एक बार नए व्लॉग में। आज क्या है वो मेरे को नहीं पता, पर आज है वो, यार भूल गया मैं, आज कुछ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गाइस, घर से बाहर आ चुका हूँ और मेरे को दिख गया एक कबाड़ी। ये भाग गया कबाड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारे गांव का सुपर फास्ट कबाड़ी और ये पता नहीं क्या कबाड़ा चुग रहा था अभी हमारे ढेर है जो उसमें। तो चलिए इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका कि ये क्या कबाड़ा चुग रहे थे। तो चलिए चलते हैं, क्या चुग रहे थे वहां पर, क्या कबाड़ा चुग रहे थे? बॉल। ओ भारी मिस्टेक हो गई। असल हुआ ये था कि भाई की बॉल जो कि ढेर में चली गई थी और खेल रहे थे हमारे अशोक भाई, ये जो हमारे पीछे दिख रहे हैं, और इनने मार दिया छक्का और मैं घुस गया तबेले में। कि यार लगने का बहुत डर है क्योंकि खैच खैच के मार रहे हैं भाई बॉल को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे ये बॉल करा रहा है, यही जो कबाड़ी बॉल करा रहा है और वो खैच खैच के छक्का मार रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो सामने गाइस देख सकते हो रहा है मैच, और भैया चालू ये शानदार विराट कोहली का बल्ला घूमा और ये मार दे छक्का। ओह माय गॉड, वाओ। ये रही बहुत सारी ऑडियंस जो यहाँ मैच का आनंद ले रही है एंड ये खेल रहा है हमारे विराट कोहली। तो अब नेक्स्ट बॉल आने वाली है और हमारे पंत भैया आ गए जो अभी एक्सीडेंट हुआ था फिलहाल में, ये आ चुके हैं। हाँ हम ले पाएंगे, हाँ हम ले पाएंगे। पहले धोनी जी को, ओ विराट कोहली जी को खेलने दीजिए। आ चुके हमारे पंत साहब जो कि अभी हाल ही में इनका एक्सीडेंट हुआ था, पर ये सही होके डोनेट होके ओ सॉरी डिलीवर होके आ चुके हैं हॉस्पिटल से। इनके चेहरे पे देख सकते हो बहुत अच्छी मुस्कुराहट है और सारे, अरे भाई पंत लगता है गाइस पंत साहब खेलने ही भूल गए बैट बॉल को। तो चलिए इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्यों खेलना भूल गए। तो गाइस एक तरह का मैंने ये ब्लॉग एंटरटेनमेंट कर दिया है, मतलब कि एकदम कॉमेडी थी भरा। बोले यार रोज के ब्लॉग में एकदम सिंपल सिंपल बोलता हूँ मैं। तो आज मैं आपको मैच देखने वाला हूँ। पंत साहब चले गए यहाँ से, दो बॉल खेली और दो बॉल में उन्होंने बॉल फाड़ दी। बल्ला चला तो ऐसा चला जो कि बल्ले से बॉल फट गई। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और गाइस अभी मैं ओपले हमने खरीदे थे वो अभी अभी रख के आया हूँ मैं, अगर तो कि करीब करीब 150 रुपये के 100 ओपले खरीदे थे और देसी भाषा में बोलते कंडा। अगर कमेंट करके बताएं आप भी कंडा बोलते हो, वैसे ओपले भी बोल लेते हैं और कंडे भी बोलते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कंडे बोलते हैं। गाइस देखो मेरे पीछे देखो कुछ चेंजिंग लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं। दरअसल हमारे चाचा जी के घर में पड़ रही है मिट्टी, गाइस देख सकते हो ये ठेलों से पड़ी है जो कि आगे भैंस इधर गाय और इनके बीच में मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पे मिट्टी और सब में मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी हुई है। मिट्टी पड़वाने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो घर है ना अभी सड़क से नीचे आए, तो इसीलिए ऐसे मिट्टी मतलब भराव डलवा कर सड़क से करीब करीब 2 फुट ऊँचा लेना है। तो चलिए, और गाइस शाम के समय से मैंने सोचा था क्यों ना नहा लूँ, यार मैं नहाया तो है नहीं क्योंकि यार शाम हो चुकी है। अरे आपको पता है ठंड कितनी लगती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है गाइस। फिलहाल मैं ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ और एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, बस ये वाला पार्ट डालने के लिए जाएगा काइन मास्टर में, मैं अपनी एडिटिंग फ़ोन में ही करता हूँ। और एक बंदे ने पूछा था कमेंट में एडिटिंग किससे करते हो, तो भाई मैं बता देता हूँ काइन मास्टर से करता हूँ और हाथ से ही करता हूँ एडिटिंग में। बात तो सही है। और गाइस फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर पर और ब्लॉग का करूँगा अभी एंड। और गाँव में देखो कितना खतरनाक कौर आ गया है, तो चलिए गाइस मैं आपको छत पर से दिखाता हूँ। और गाइस देख सकते हो एकदम हर तरफ कोहरे कोहरा आने वाला है, थोड़ी देर बाद कोहरे कोहरा यहाँ पर आ जाएगा। इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब गाइस आप भी किसानों की थोड़ी सी मजबूरी देखो कि गाइस हम घर पे रह रहे हैं तो हमें इतनी ठंड लग रही है, और जो मेरे भाई है पापा चाचा जो भी खेत पर रखाने जाते हैं हम खेत, तो वहाँ कितनी ठंड लगती है एकदम खुले में भाई। लिटरली गाइस किसानों की थोड़ी सी मुसीबत भी समझा करो भाई, कोई भी शहर वाला हो। और गाइस अब चलते हैं नीचे, किसानी करनी आसान बात नहीं है। बात तो सही है। गाइस आज ना मैं खेत पे ब्लॉग शुरू करने वाला था, मतलब यार मैंने वहाँ पर ब्लॉग शुरू करा नहीं,
मैंने कहा यार क्या करूँ, घर जाके कर लूँ ब्लॉग शुरू। तो मैंने ऐसी करीब करीब 5 बजे से आज ब्लॉग शुरू करा, और कल का ब्लॉग शायद ही मिस हो सकता है या आ सकता है। तो गाइस मैं खेत पे से आया था, अभी तो मैंने पैर नहीं धोए, मतलब कि मैं दिखाता हूँ कितने गंदे मेरे पैर हो रहे हो रखे। देखो गाइस कितने गंदे मेरे पैर है। तो चलिए गाइस अभी ने रिन्यू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस मैंने पैर सब धो लिया और अब अपने कपड़े बिछा लेता हूँ। देखो गाइस ये रहे, पहले बिछौना बिछा लेता हूँ फिर ब्लॉग का एंड करेंगे। आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यार पूरा ब्लॉग देखा करो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आज के लिए बाय बाय।